आज हम दोस्त एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन फिनाइल हाइड्राजिन के साथ करेंगे और मेन प्रोडक्ट के रूप में हाइड्राजोन बनाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्त, मेन प्रोडक्ट के रूप में हमारा फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा। यहाँ पर लिखिए हम फिनाइल हाइड्राजोन और फॉर्म, फिनाइल हाइड्राजोन और फॉर्म, मतलब मेन प्रोडक्ट के रूप में हमारा फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा। अब दोस्त केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं, तो सबस्ट्रेट के रूप में हम लोग दोस्त एसिटाल्डिहाइड लेंगे। तो ये हो गया हमारा डाइवेलेंट कीटो ग्रुप, जिसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप के एक खाली बॉन्ड में लगा दिए हाइड्रोजन और दूसरा खाली बॉन्ड में लगा दिए मिथाइल ग्रुप। तो दो कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखिए हम लोग एसिटाल्डिहाइड, और एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन हम लोग फिनाइल हाइड्राजिन के साथ करेंगे। तो देखिए दोस्त, ये हो गया हमारा NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्राजिन। तो हाइड्राजिन से हम लोग एक हाइड्रोजन को हटा देंगे और उसके बदले में लगा देंगे फिनाइल ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा फिनाइल हाइड्राजिन। तो यहां पर लिखते हैं दोस्त फिनाइल हाइड्राजिन, और कैटलिस्ट के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल है यहाँ पे H+। जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डालिएगा ना, तो वहां टूट कर देगा आपका H+। और सल्फ्यूरिक एसिड का काम है दोस्त वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालना। तो देखिए दोस्त, फिनाइल हाइड्राजिन से हम लोग हाइड्रोजन को हटाएंगे और एसिटाल्डिहाइड से ऑक्सीजन को। तो जिस तरह बॉयज को गर्ल्स पसंद है, उसी तरह हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पसंद है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बना लिया। अब इस कार्बोनिल कार्बन पर मिथाइल और हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्त कार्बोनिल कार्बन के पास लगा दिए मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर लिखिए डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड NH है, यहाँ पर लिखिए नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड NH। अब इस NH पर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इस NH पर लगा देंगे हम लोग फिनाइल ग्रुप। ये हो गया हमारा फिनाइल ग्रुप। यह कंपाउंड कहां से आया? वो एसिटाल्डिहाइड से। यहां पर लिखिए दोस्त एसिटाल्डिहाइड, ये हो गया हमारा एसिटाल्डिहाइड। और फिनाइल हाइड्राजिन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल हाइड्राजोन में। फिनाइल हाइड्राजिन बदल गया फिनाइल हाइड्राजोन में। तो यहां पर लिखिए दोस्त फिनाइल हाइड्राजोन। अब देखिए दोस्त, इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन फिनाइल हाइड्राजिन के साथ करते हैं एसिडिक मीडियम में, तब बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल और मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटाल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन बनता है। अब यहां पर देखिए दोस्त, यहां से दोस्त हाइड्रोजन को हटा दिए, यहां भी हमारा हाइड्रोजन हट गया। अब इस हाइड्रोजन के जगह पर लगा दिए मिथाइल ग्रुप, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, और तीन कार्बन के कीटोन को कॉमन नेम में एसीटोन बोलते हैं। यहाँ पर लिखिए दोस्त एसीटोन। अब यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगाए हैं, तो इस खाली बॉन्ड में भी लगाना पड़ेगा मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर लगा दिए मिथाइल ग्रुप। अब ये प्रोडक्ट कहाँ से आया है? एसीटोन से। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग दोस्त एसीटोन, ये हो गया एसीटोन।
और जिस तरह मौसम बदलता है उसी तरह फिनाइल हाइड्राजी बदल गया हमारा फिनाइल हाइड्राजोन में, और जोन बनेगा दोस्त आपका डोन। अब देखिए दोस्त इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब एसीटोन का रिएक्शन फिनाइल हाइड्राजीन के साथ करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल और मेन प्रोडक्ट के रूप में एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन बनता है। इस तरह हमारे दोस्त एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन फिनाइल हाइड्राजीन के साथ खत्म हुआ। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे मांसू कुमार कहते हैं।